लर्निंग सेंटर जिसमें आज हम छोटे बच्चों को बताएंगे कि काल के भेद, काल किसे कहते हैं और काल के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हम अपना नेक्स्ट वीडियो डालें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो हम जब देखते हैं कि किस प्रकार हम बच्चों को बहुत ही आसानी से काल के भेद के बारे में और कैसे उनमें हम अंतर बच्चों को बता सकते हैं कि भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में हम कैसे अंतर को देख सकते हैं, जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये भूतकाल में है, ये वर्तमान में काल हो रहा है और ये काल भविष्य काल में हो रहा है। तो चलिए सीखते हैं कि किस प्रकार हम बता सकते हैं। हेलो बच्चों, आज हम अपनी क्लास में क्या पढ़ेंगे बच्चों? काल के भेद। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि काल माने क्या होता है। काल माने क्या होता है बच्चों? काल माने होता है समय। काल माने क्या होता है बच्चों? काल माने समय होता है। जैसे है क्रिया के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। किसका बोध होता है? समय का बोध होता है क्रिया के जिस रूप में, उसे हम काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से आगे देखते हैं। तो बच्चों काल के कितने भेद होते हैं? काल के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद। सबसे पहले क्या है? भूतकाल, फिर वर्तमान काल, फिर भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल यानी बच्चों बीता हुआ कल, बीते हुए कल को क्या बोलते हैं? भूतकाल। और जो समय चल रहा है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको वर्तमान काल बोलते हैं। और जो आने वाले कल को हम क्या बोलते हैं? भविष्य काल बोलते हैं। तो चलिए हम परिभाषा से देखते हैं कि भूतकाल किसे कहते हैं। तो बच्चों हम सबसे पहले जानेंगे कि भूतकाल किसे कहते हैं। तो भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से काल के बीते हुए का, क्या है? काल के बीते हुए समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे भूतकाल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे भूतकाल कहते हैं। यानी बीते हुए समय का जहाँ बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे रानी खाना खा चुकी, खा रही है, अगर है होता तो वहां पे क्या होता? वहां पे वर्तमान होना होता, लेकिन यहाँ चुकी है, रानी खाना खा चुकी है। मेरी बहन का बर्थडे कल था। क्या था बर्थडे? कब था? कल था। और यहाँ पे क्या है? खाना खा चुकी। जब हम भूतकाल की बात करते हैं तो वहां होती है चुकी, था थी का हम प्रयोग करते हैं। जैसे खाना खा चुकी, कल बर्थडे था, थी, रहे थे, रही थी, तो ये सब क्या है बच्चों? जहाँ था आएगा वहां होगा भूतकाल। जहाँ काल और सब मतलब खत्म हो गया, बीते हुए कल को क्या बोलते हैं? बीते हुए समय को भूतकाल बोलते हैं। तो हम वर्तमान काल देखेंगे। काल हमारा क्या है बच्चों? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल हम देखेंगे क्रिया के जिस रूप से कार के होने का, क्या है? कार के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब कार हो रहा है, जैसे मैं भी क्या कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, तो किसमें कौन सी क्रिया में होगी? वो होगी वर्तमान काल में। और जो हम अगर पढ़ा के चले गए तो क्या बीते हुए समय को क्या बोलते हैं? हम भूतकाल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या है, कार होने का बोध हो रहा है, मतलब काम हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? वर्तमान काल। और सीता गा रही है, अगर यहाँ पे होता सीता गा चुकी तो क्या हो जाता है? यहाँ पे भूतकाल हो जाता। लेकिन यहाँ सीता गा रही है, मतलब अभी वो गा रही है, जब गा रही है तो इसका मतलब यहाँ हो गया वर्तमान काल। और राम पढ़ रहा है, राम पढ़ चुका होता तो क्या होता? हमारा भूतकाल होता। लेकिन राम अभी पढ़ रहा है तो यहाँ होगा रहा है, रही है, जहाँ पर आए वहां पे क्या होगा बच्चों? वहां पे होगा वर्तमान काल। और जहाँ पर चुका है, चुकी थी, तो वो वहां पे क्या होगा? भूतकाल। तो हम देखते हैं अब आगे भविष्य काल किसे कहते हैं। तो हमारी तीसरा काल क्या है? भविष्य काल। इसके पहले हमने दो काल कौन कौन से पढ़े थे? भूतकाल और वर्तमान काल। और ये तीसरा काल क्या है? भविष्य काल। भविष्य काल की डेफिनेशन देखेंगे, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार होने का, किसपे बच्चों? भविष्य में कार होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य में यानी बच्चों आने वाले कल, मतलब जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कल हम मेला जाएंगे, यानी कल आने वाले कल के बारे में जहाँ बात होती है वहाँ क्या होती है? वहाँ भविष्य काल होती है। जैसे मोहन आएगा,
मोहन आएगा कल हम मेला जाएंगे। मोहन आएगा जहाँ गा गे गी होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भविष्य काल होता है। और जहाँ पे हमने भूतकाल में क्या बात बताया था, जहाँ पे था थे थी होता है वहाँ पर, जहाँ पे था की बात होती है वहाँ क्या होता है, वहाँ भूतकाल होता है। और जहाँ पर है की बात होती है वहाँ पे वर्तमान काल होता है। जहाँ पर गा की बात होती है वहाँ पे भविष्य काल की बात होती है। तो आज हमने क्लास में क्या पढ़ा, काल के तीन भेद होते हैं, कौन कौन से, वर्तमान भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो हम अब हम एक एक्सरसाइज से देखेंगे आपको कितना समझ में आया। तो हमारा क्या क्वेश्चन है बच्चों, वाक्य को पढ़कर सही मिलान करो। क्या करो, सही मिलान करो। पहले हमें वाक्य पढ़ना है और ये है मिलान करने के लिए, इससे हमें मिलान कर रहे हैं। जैसे हम सबसे पहला वाक्य पढ़ेंगे, सीता गाती है। सीता क्या करती है, गाती है। तो है के लिए क्या मैम ने बताया था, जहाँ काल हो रहा है वहां पर क्या होगा बच्चों, वहां पर भूतकाल होगा। भूतकाल यानी तो बीता हुआ काल, यानी काल हो चुका, काल हो रहा है कौन से, भविष्य काल में। भविष्य काल के लिए क्या, आने वाली काल के बारे में हम बात करते हैं। तो ये क्या है, वर्तमान काल। वर्तमान काल में जहाँ काल हो रहा है, तो यहाँ क्या करें, यहाँ कौन सा काल लगेगा, सीता गाती है यानी सीता गा रही है, तो इसमें क्या होगा, वर्तमान काल। अब दूसरा वाक्य पढ़ने क्या है, कल हम बाजार जाएं, कल हम बाजार गए थे। ये कीवर्ड पकड़ो, कल हम कहाँ गए थे, कल हम बाजार गए थे, जा चुके। तो थे में क्या आएगा, जहाँ बीता हुआ काल को क्या बोलते हैं बच्चों, भूतकाल। और ये क्या है, तीसरा कल मेरी परीक्षा होगी। जहाँ गी की बात आती है वहां पे क्या होता है बच्चों, वहां पर भविष्य काल होता है, यानी कल मेरी परीक्षा होगी। जहाँ गी की बात होती है, आने वाली कल की बात होती है, वहाँ भविष्य काल होती है। और जहाँ पर हम बीते हुए कल की बात करते हैं वहां पर भूतकाल होता है, जहाँ पर काल हो रहा है वहां पर क्या होगा, वहां पर वर्तमान काल होगा। तो आशा करते हैं कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक और शेयर जरूर करिए। और बच्चों को इसी तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में आप बताएं। गॉड ब्लेस यू।